हेलो गाइस, वेलकम टू BBoard। BBoard के इस वीडियो में हम 17 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और उनसे रिलेटेड फैक्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। कल का क्वेश्चन था व्हाट इज द करेंसी ऑफ तंजानिया, तंजानिया की करेंसी क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सीलिंग होगा, तंजानिया की करेंसी सीलिंग है। चलिए आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने पहले इबोला मामले की पुष्टि की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गोमा होगा, गोमा ने पहले इबोला मामले की पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्रालय कांगो ने 2 मिलियन से अधिक आबादी वाले गोमा शहर में देश के पहले इबोला मामले की पुष्टि की है। पिछले अगस्त में शुरू हुआ प्रकोप इतिहास में दूसरा सबसे घातक था। पूर्वी कांगो में 1600 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी क्योंकि वायरस स्वास्थ्य टीमों तक पहुंच से दूर बहुत खतरनाक क्षेत्रों में फैल गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, जुलाई में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए 250 मिलियन की सहायता को मंजूरी दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए केरला होगा, वर्ल्ड बैंक ने केरल को 250 मिलियन की सहायता दी है। अब यह सहायता वर्ल्ड बैंक ने दी है तो हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसका फॉर्मेशन जुलाई 1945 में हुआ था। और अगर हम वर्ल्ड बैंक के मोटो की बात करें तो इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। तो वर्ल्ड बैंक से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। अब हम केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो केरल को और किन नामों से जाना जाता है, तो केरल के कई निक नेम्स भी हैं जैसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, गॉड्स ओन कंट्री और लैंड ऑफ बैक वाटर्स केरल के अन्य नाम है। यहाँ पे मेजर रिवर की बात करें तो पेरियार और पंबा यहाँ की मुख्य नदियां हैं। फेस्टिवल यहाँ ओनम, विशु, त्रिशूर पूरम, क्रिसमस सेलिब्रेट किए जाते हैं। केरल का स्टेट एनिमल इंडियन एलिफेंट है, स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल है और स्टेट फ्लावर गोल्डन सॉर ट्री फ्लावर है। तो इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सर्बिया में आयोजित वोजवोडिना इंटरनेशनल टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किसने रजत पदक जीता या जीते हैं। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। भारतीय युवा मुक्केबाजों ने सर्बिया में आयोजित वोजवोडिना इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 37वें गोल्डन ग्लव में 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। सिलॉय सोए, विलॉटसन एल्सिन, अजय कुमार और विजय दीप ने अपने अपने अंतिम मुकाबलों में रजत पदक हासिल किया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में JFR जैकब का निधन हो गया, वह एक खालिस्तान थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी आर्मी ऑफिसर होगा। JFR जैकब आर्मी ऑफिसर थे। 1971 के युद्ध के बाद ढाका में पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के लिए बातचीत करने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब का निधन हो गया है। 1923 में जन्मे जैकब को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत और बांग्लादेश मुक्ति में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने WBC अंतर्राष्ट्रीय वेल्टर वेट शीर्षक प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी आमिर खान होगा। ओलंपिक रजत पदक विजेता आमिर खान ने WBC अंतर्राष्ट्रीय वेल्टर वेट खिताब जीता है। उन्होंने सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित सुपर बॉक्सिंग लीग में अपने मुक्केबाजी के चौथे दौर में ऑस्ट्रेलियाई बिली डिप को हराया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे IOC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो शरद कमल को IOC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी शरद कमल होगा और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। हाल ही में सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जस्टिस AK सीकरी होगा। जस्टिस AK सीकरी को सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश चुना गया है। हाल ही में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी PV सिंधु होगा। PV सिंधु इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगर हम बात करें PV सिंधु की तो यह हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में कितने मिलियन लोगों को भूख से पीड़ित घोषित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 821 होगा। अगर हम UN की बात करें तो UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं। हाल ही में भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के लिए चुना गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 12 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में फर्नांडो कॉर्बेटो का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो फर्नांडो कॉर्बेटो एक साइंटिस्ट थे।
हाल ही में बाबा गुरु नानक विश्वविद्यालय की आधारशिला किस देश में रखी गई है? तो बाबा गुरु नानक विश्वविद्यालय की आधारशिला पाकिस्तान में रखी गई है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपया, पीएम क्रिकेटर इमरान खान है और यहाँ के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। IESSF विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन करेगा? IESSF विश्व कप 2020 की मेजबानी इंडिया करेगा। IESSF विश्व कप 2020 इंडिया के न्यू दिल्ली में होगा। अगर हम IESSF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के म्यूनिक में है और इसके प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट व्लादिमीर लिसिन हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर $5 बिलियन का जुर्माना लगाया है? तो फेसबुक पर $5 बिलियन का जुर्माना यूएस ने लगाया है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी यूएस होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में भारत के कितने हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? तो इसमें 2 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है, जिनमें से एक नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दूसरा मुंबई का छत्रपति शिवाजी। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ। तो गाइज इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये था हमारे आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे BBoard चैनल को सब्सक्राइब करें।